assistant and controller. But today we are here. It was not patients as well as attendants. Ashadi room from the dark room to an open area. Jan Ashadi Yojana mein jo medicines banti hain, kaise banti hain, kya hota hai? He is himself taking responsibility of entire country. Jitne bhi Jan Ashadi, hamari janta aur Ashadi hui dawai. Jitni bhi population hamari India mein hai, उस दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने है। इसके बाद मुझे लगता है क्वालिटी को हम कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते और रुकी ब्रांड्स का और हम उनको मैच करते थे। एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करना है। ये मेडिसिन्स को देखा, इसको इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। इसमें जो प्रधानमंत्री में है, जो भी ये बनती है मेडिसिन, ये WHO GMP प्लांट से ही बनती है, जो कि आप स्लाइड्स में देखोगे। दवाइयाँ 50 से 70% लो कॉस्ट में हमें मिलती है और वो अपनी जो ट्रीटमेंट है वो पूरी करवा सकता है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, ये हमने 2019 में स्टार्ट की थी और आज तक हमारे यहाँ पे 68 स्टोर्स विद इन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, पर ये नंबर बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs एंड जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पे ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खुलें और लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें, क्योंकि इसमें जो है 50 से 60% सस्ती होती हैं दवाइयाँ, तो हम आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी ये एक ड्रीम है कि हम लोगों तक पहुंचें और लोगों को ये दवाइयां सस्ती प्रदान करें। साहब भी हैं, उन्होंने एश्योर किया है कि अभी तक तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 1-2 केंद्र हैं जो कि खुले हैं, पर उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम 5-6 केंद्र पहले फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप ये इंश्योर रखिए कि ये जो दवाइयाँ हैं इनकी क्वालिटी जो है एश्योर्ड है, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेडिसिंस हैं, क्वालिटी मेडिसिंस हैं, बहुत ही सस्ती जो है प्रधानमंत्री जी की योजना के थ्रू आम जनता के पास पहुँच।